नवरात्रि ऑफर, पाएं एक मुखी काजू दाना रुद्राक्ष सिर्फ 1450 रुपए में और पांच मुखी रुद्राक्ष माला बिल्कुल मुफ्त, पूरे 2100 रुपए का डिस्काउंट। ऑर्डर करें 13 से 12 अप्रैल के बीच आस्तिकshop.com पर। जय माता दी। सबसे पहले आप सभी भक्त जनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप माने या ना माने, लेकिन धर्म की दृष्टि से ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। आप हमारी बताई गई पूजा विधि से, विधि विधान से पूजा कीजिए, आपको शुभ लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप पर माता रानी की कृपा बरसेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जरूरी मुहूर्त, कलश स्थापना कैसे करें और क्या करें माता को प्रसन्न करने के लिए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कलश स्थापना मुहूर्त। कलश स्थापना मुहूर्त 13 अप्रैल को सुबह 5:45 से शुरू होगा और सुबह 9:59 तक रहेगा। और अब जानते हैं सटीक कलश स्थापना विधि। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें, मंदिर की अच्छे से सफाई करें। ध्यान रखें, जहां साफ सफाई नहीं होती उस घर में माता रानी कभी प्रवेश नहीं करती। सफाई के बाद सफेद या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, कपड़े पर चावल का एक गोला बनाएं और उसके ऊपर मिट्टी का बर्तन रख दें। उस बर्तन में जौ बो दें। जिस बर्तन में आपने जौ बोई है उसी बर्तन के ऊपर एक जल से भरा कलश रख दें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और कलावा या कहें मौली बांध दें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। अब उसमें थोड़ी सी सुपारी डाल दें, एक सिक्का, थोड़े से चावल और इत्र मिला दें। अब कलश में आम के 5 पत्ते लगाएं या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब अलग से एक नारियल लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट कर उसको मौली से या कलावे से बांध दें। अब उन 5 पत्तियों को आधा अंदर और आधा बाहर करके उसके ऊपर नारियल रख दें। इस तरह से कलश की स्थापना पूरी होगी। आप चाहें तो कलश के सामने 9 दिन के व्रत का संकल्प लें और अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसका भी संकल्प लेकर उसी समय जला दें। इस चैत्र नवरात्रि का राम नवमी मुहूर्त रहेगा 21 अप्रैल 2021 को सुबह 11:02 से दोपहर 1:38 तक और व्रत पारण 22 अप्रैल को किया जाएगा। वैसे तो आप सभी को पता है कि नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, छोंक और बघार लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको नवरात्रि के दिनों में जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में माता जी का ध्यान करने से आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी। नवरात्रि के दौरान ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर रहें। अगर आप घर पर हैं तो कोशिश करें कि चप्पल ना पहने और साफ कपड़ों का प्रयोग करें। देवी माँ को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है इस दौरान देवी माँ को साफ जल पात्र से जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप बीमार नहीं हैं, प्रेग्नेंट नहीं हैं या और कोई समस्या नहीं है तो कोशिश करें कि 9 दिन का व्रत रखें। विज्ञान की दृष्टि से इससे आपका शरीर साफ होता है और धर्म की दृष्टि से इस दौरान व्रत रखने का महत्व बहुत अधिक है। अष्टमी के दिन पूजा जरूर करें और कन्या भोज करवाएं। कहते हैं कि इस दौरान हर कन्या में देवी माँ का वास होता है। अगर आप कन्या भोज कराते हैं तो वह माता को खाना खिलाने के समान है। हो सके तो 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाएं और गाय के घी का ही उपयोग करें। माता की ज्योत घर के मंदिर के पास ही जलाएं। देवी माँ का इन दिनों विशेष श्रृंगार करना चाहिए। माता को फूलों की माला, हार, नए नए कपड़े, माता का चोला इत्यादि चढ़ाना चाहिए। इस समय मन को पवित्र रखें और बुरे ख्यालों से बचें। वैसे ऐसा आपको पूरे वर्ष और अपनी पूरी जिंदगी में करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि से जुड़ी अहम जानकारी। इसे ज्यादा से ज्यादा माता के भक्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर करें और हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करना ना भूलें। जय माता दी।